नमस्ते योजीवन। देखो बच्चों, आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो इस मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को दो वैज्ञानिकों ने बताया था जिसका नाम है लुडविंग व कुसिनी। इन दो वैज्ञानिकों ने मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में बताया और इस मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को तीन चरणों में इन्होंने बांटा। तो कौन कौन से चरणों में बांटा देखते हैं अपन। लुडविंग व कुसिनी ने बताया था मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को तीन चरणों में बांटा। तीनों चरणों के नाम लिखते हैं अपन। फर्स्ट गुच्छकीय निश्चंदन या परा निश्चंदन, दूसरा होगा पुनरावशोषण, तीसरा होगा स्त्रवण। तो तीन चरणों में बांटा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को, उच्च के निश्चंदन या परानिश्चंदन, पुनरावशोषण व स्त्रवण। तो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे उच्च के निश्चंदन या परानिश्चंदन। तो फर्स्ट देखें अपन उच्च के निश्चंदन या परानिश्चंदन, यह मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का प्रथम चरण है और इस चरण के अंदर क्या होगा कि इसमें एक दाब उत्पन्न होगा। दाब कहाँ उत्पन्न होगा? ग्लोमेरुलस के अंदर। जैसे कल अपन ने डायग्राम बनाया था नेफ्रॉन का, तो उसमें बनाया था ग्लोमेरुलस, तो उसमें एक दाब उत्पन्न होगा। तो दाब उत्पन्न होने की वजह से रक्त में उपस्थित अनावश्यक क्षण कराएंगे कहाँ पर? नेफ्रॉन में, और साथ में आवश्यक पदार्थ भी आ जाते हैं कुछ। तो जो क्षण कराएगा उसे बोलते अपन जीएम, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और जो इसकी मात्रा होगी 180 लीटर पर डे या 125 ml प्रति मिनट इसकी मात्रा होगी। अब इस जीएम का निर्माण कैसे होगा, किस प्रकार से बनेगा ये? तो अपन देखेंगे गुच्छ के निश्चंदन के अंदर तीन प्रकार के दाब काम करते हैं। तो गुच्छ के निश्चंदन में कितने दाब? तीन दाब काम करेंगे देखते हैं। फर्स्ट जो होगा उसे बोलते हैं जी एच पी, सेकेंड जो होगा बी एस ओ पी, थर्ड होगा सी एच पी। यानी जी एच पी यानी ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बी सी ओ पी ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, खड़ा होगा सी का मतलब होता है सी एच पी। तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तीनों का मान अलग होगा। जो जी एच पी होगा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसका मान होगा प्लस 70 mmHg। BCOP का मान होगा माइनस 30 mmHg और CHP का मान होगा माइनस 20 mmHg। तो इन सभी दाब को अपन एक डायग्राम बनाकर समझते हैं यानी किस प्रकार काम करते हैं ये दोनों जो दाबों में BCOP और CHP।
जीएचपी के अपोजिट काम करते हैं, इसलिए अपन ने यूज किया माइनस चिन्ह। क्यों किया अपन ने? क्योंकि ये दोनों मान जीएचपी के अपोजिट काम करते हैं, इसलिए माइनस लगा दिया। ये जो कमी होगी ये होगी अभी वाई कमी, ये वाली होगी अप वाई कमी, इसे बोलते अपन बोमेन संपूर्ण, इसे बोलेंगे अपन ग्लोमेरुलस। दोनों को मिला के बोलते अपन मेल निधि का है। ये प्रेजेंट में स्लिप पोर्ट जिनका आकार है 0.1 माइक्रोमीटर, इनसे छन कर आएगा जीएफ, एक निश्चन दर होगा रक्त में उपस्थित अनावश्यक पदार्थों का, इसे बोलते अपन जीएफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसका मान होता है जैसे कि आपने पढ़ा था 180 लीटर प्रति डे या 125 ml प्रति मिनट। और जो ये कोशिका होगी मतलब पोडोसाइट, पोडोसाइट कोशिका या पदार कोशिका कहते हैं। तो देखो आप बात करते पर तीन दाव कौन कौन से, जीएचपी सेकेंड होगा, बीसीओपी और थर्ड दाव होगा सीएचपी। ठीक है, इसका मान होता है प्लस 70 mmHg, बीसीओपी का मान होगा माइनस 30 mmHg और सीएचपी का मान होता है माइनस 20 mmHg। तो देखो इसमें किस प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं, जैसे अभिवाही धमनी होगी, अभिवाही धमनी के अंदर रक्त आएगा, अभिवाही धमनी का व्यास ज्यादा होगा जबकि अपवाही धमनी का व्यास कम होता है। तो जैसे ही रक्त आएगा तो इस ग्लोमेरुलस के अंदर एक दाब उत्पन्न होगा, जो दाब उत्पन्न होगा उसी दाब को बोलते हैं जीएचपी और इसका मान कितना होगा प्लस 70 mmHg होता है। अब दूसरा दाब क्या होगा, बीसीओपी, नाम ही क्या इसका, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा कि आपको पता होगा रक्त या ब्लड के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, ये एल्बुमिन प्रोटीन एक दाब उत्पन्न करेगी यानी रक्त को आप छनने का विरोध करेगी, उसी दाब को बोलते हैं बीसीओपी यानी कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जीएचपी के विपरीत कार्य करेगा या इसका विरोधी दाब होगा, जीएचपी का विरोधी दाब बीसीओपी यानी इसका विरोध करेगा। और जो तीसरा दाब होगा अपना सीएचपी कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो गोमन संपुट की जो दीवारें होगी इन दीवारों से जो दाब उत्पन्न होगा उसी दाब को बोलते हैं सीएचपी, इसका मान माइनस 20 mmHg होगा और यह दाब भी जीएचपी के विपरीत काम करता है। तो देखते हैं नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन दाब, तो देखेंगे अपन नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर यानी दाब से जीएचपी माइनस बीसीओपी माइनस सीएचपी। तो जीएचपी माइनस कॉमन ले लो आप तो बीसीओपी प्लस सीएचपी, जीएचपी का मान हो 70 माइनस बी सी ओ पी, माइनस लगाएगा उसने माइनस लगा दिया अपन ने बाहर, तो 30 प्लस 20 तो कितना हुआ 70 माइनस 50 तो कितना है 20। नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर
20 एमएमएनजी प्राप्त होगा। अब ये इस 20 एमएमएनजी जैसे कि अपने ना न्यूट्रॉन में का ग्लो मेब्रस वही अभिवाहिता निरंतर लेकर आती है और अपवाहिधर्मी लेकर जाएगी, तो इसमें जो प्रेशर होगा वो कितना लगेगा, टोटल 20 ही लगेगा, ठीक है। और 20 प्रेशर लगने की वजह से क्या बनेगा, इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कुछंतर आएगा, उसमें क्या बोल देंगे अपन, या निश्चंदन क्रिया होगी, होने के बाद से क्या बोलेंगे अपन, जीएफ है। इसमें किसने काम किया, ग्लोमेरुलर स्टेंट, इसके द्वारा जीएचपी लगा, रक्त में प्रेजेंट एल्बुमिन प्रोटीन द्वारा भी दाब लगा, और जो वोमेन सपोर्ट की जो दीवारें होगी उन्होंने भी क्या किया, प्रेशर लगाया, यानी कि रक्त का छनने का क्या किया, उन्होंने विरोध किया। तो जो टोटल दाब लगा इनके लगने के बाद, बीसीओपी और सीएचपी के टोटल दाब लगने के बाद जो कितना बचा, 20 एमएमएनजी, वो 20 एमएमएनजी दाब ही जीएफ का निर्माण करता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का निर्माण करता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो भी अपन ने प्राणिशंधन या गुच्छ के निशंधन, अगला पॉइंट होगा अपना पुनरावशोषण। ये सब अपन मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में देख रहे हैं। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को तीन भागों में बांटा, फर्स्ट गुच्छ के निशंधन या प्राणिशंधन, सेकंड होगा पुनरावशोषण। जो जीएफ बनता है उस जीएफ में अनावश्यक पदार्थ तो आते हैं, साथ में आवश्यक पदार्थ भी आ जाते हैं, तो उन आवश्यक पदार्थों को वापस कलेक्ट करके वासा रेक्टा में डाल दिया जाता है। तो अपवाहिधर्मी से क्या बनती है, वासा रेक्टा, और ये वासा रेक्टा इसका काम क्या होगा कि जो जीएफ एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर जो लाभदायक पदार्थ आ गए उनको तो एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी ले लेगी, और जो छन नहीं पाए, जो हानिकारक पदार्थ वो छन नहीं पाए, जो अनावश्यक पदार्थ थे वो छन नहीं पाए, तो उन पदार्थों को ये वासा रेक्टा हेलने के रूप में ट्रांसफर कर देगी। देखते हैं अपन डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार पुनरावशोषण की क्रिया होती है, किस प्रकार होती है कि कहां कहां पर पुनरावशोषण होगा। तो ये जो डायग्राम है अपन ने पुनरावशोषण को दर्शाता है, पुनरावशोषण को दर्शाता है डायग्राम। तो देखो आप इसमें किस प्रकार पुनरावशोषण की क्रिया होती है, तो जैसे ही प्राणिशंधन क्रिया होगी यानी कि जीएफ का निर्माण होगा, जीएफ का निर्माण कितना होता है, या तो 180 लीटर पर डे या 125 एमएल प्रति मिनट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कल डायग्राम के अंदर बताया था कि पीसीटी हेलने लूप, बीसीटी और संग्राहक नलिका पाई जाती है, तो इस पीसीटी यानी कि समीपस्थ सम्मिलित नलिका, तो इस पीसीटी के अंदर सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, जल, एमिनोन, विटामिन सी, इन सभी का क्या होगा, अवशोषण, और इसी के अंदर ग्लूकोज, बताया था मैंने आपको ग्लूकोज का 100% अवशोषण होगा, जो छन कर आ चुका है जीएफ यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो आया है उसमें अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उस ग्लूकोज को कहाँ पर अवशोषित कर लिया जाएगा, पीसीटी के अंदर ही अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद इसमें अपन हेलने लूप, पीसीटी के बाद क्या होगा, हेलने लूप, तो यहाँ पर पीसीटी में तो इन सभी कहेंगे सोडियम क्लोराइड जल एमिनोन में विटामिन सी और ग्लूकोज का अवशोषण होगा। तो हेलने के लूप में दो भुजाएं पाई जाती है, अग्नि भुजा
इस अव्यय भुजा में तो जल का अवशोषण होगा, जबकि आवेय भुजा के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का अवशोषण होता है। और इसके बाद देखेंगे अपन डीसीटी। इस डीसीटी के अंदर जो जीएफ आया यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया, तो उसके अंदर अगर बचे हुए हैं जिसे आयन से यानी बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, जल, इन सभी का क्या होगा, डीएब्जॉर्प्शन होगा यानी पुनरावशोषण होगा। उसके बाद ये जीएफ कहाँ चला जाएगा, संग्राहक नलिका में। उस संग्राहक नलिका के अंदर किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होगा, जिससे क्या बनेगा, अतिसांद्रित जीएफ बनेगा। उस अतिसांद्रित जीएफ को ही क्या बोलते हैं, मूत्र की संज्ञा दी जाती है, उसे अपन बोलेंगे मूत्र। और यहाँ से संग्राहक नलिका से ये मूत्र कहाँ चला जाएगा, मूत्राशय के अंदर। ये कंप्लीट हुआ अपना पुनरावशोषण। अगला पार्ट होगा अपना स्त्रवण या सिक्रेशन। तो इसी के अंदर देखते हैं अपन कि क्या होता है स्त्रवण। तो लास्ट चरण होगा ये मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में, इसका नाम होगा स्त्रवण। तो इस स्त्रवण की क्रिया में जब प्राणिछंदन की क्रिया होगी, तो उस प्राणिछंदन की क्रिया में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो छन नहीं पाएंगे, और छन नहीं पाएंगे तो क्या होगा, वो अपवायगमन से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे, वासा रेक्टा में। ऐसा मैंने आपको बताया था अपवायगमन क्या बनाती है, वासा रेक्टा। इस वासा रेक्टा में पहुंच जाएंगे। अब ये वासा रेक्टा इन सभी पदार्थों को किसमें ट्रांसफर कर देगी, फैलने के रूप में। और एक कौन कौन से पदार्थ होंगे, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, हीप यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक। तो ये सभी पदार्थ यहाँ पर छन नहीं पाएंगे, छन नहीं पाने की वजह से अपवाय धमनी से वासा रेक्टा पहुंचेंगे, और वासा रेक्टा से इनको डायरेक्ट किसमें डाल दिया जाएगा, फैलने के लूप में। और जो औषध पदार्थ होंगे उनको यहाँ से कलेक्ट करके किसमें डाल दिया जाएगा, वासा रेक्टा में, हानिकारक को फैलने के लूप में, लाभदायक को वासा रेक्टा में। और यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, डीसीटी में, और डीसीटी से संग्राहक नलिका, और संग्राहक नलिका से मूत्राशय में, और इनको बाहर त्याग दिया जाएगा। ये सब क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं, इनकी आवश्यकता शरीर को नहीं होती, इनकी यूज करने के बाद इनकी वेस्ट मटेरियल होगा, काम लेने के बाद बचे हुए पदार्थ होंगे अनावश्यक। इस प्रकार इन तीनों चरणों द्वारा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि संपन्न होती है। अगला देखेंगे अपन देहली पदार्थ के प्रकार। अगला क्वेश्चन होगा अपना देहली पदार्थ के प्रकार। यह देहली पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होंगे, तीन प्रकार के देखने को मिलेंगे अपन को। तो फर्स्ट जगह पर उच्च देहली पदार्थ, उच्च देहली पदार्थ वे पदार्थ होंगे जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे, और इनका 100% अवशोषण हो जाता है, जैसे अमीनो अम्ल, विटामिन, ग्लूकोज, एसिटो एसिटेट, इन सभी का पुनरावशोषण कर लिया जाता है शरीर के लिए। बहुत आवश्यक पदार्थ शरीर के लिए बहुत आवश्यक पदार्थ क्या कहलाते हैं, उच्च देहली पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे अपन निम्न देहली पदार्थ,
निम्न देहली पदार्थ ये ऐसे पदार्थ होंगे जो शरीर को इनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती और इनका अवशोषण पूर्णतः नहीं किया जा सकता। इन पदार्थों को मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिया दैनिक पदार्थ क्या होंगे जिनका शरीर द्वारा पूर्ण अवशोषण नहीं किया जाता है, शरीर इनका पूर्ण अवशोषण नहीं करता। लास्ट होगा अदेहली पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल वाइज में यूरिकम, यानी पूरे को बाहर निकाल दिया जाएगा यूरिकम। थैंक्स।